नमस्कार और आदाब सनीचर। जून के 8 तारीख पेशे आपके लिए 7 दिन के खबरें। नया मिनिस्टर अल्फीफे कालान बोफे इतल तनफिसरे का रबिन परमेसर इस हफ्ता में बहरोतिंग्स बहंदलिंग के दौरान पंचघर में कहा है कि कुछ स्टाट्स विद्रय जो मिनिस्टर रिफान अल्फीफे के निर्देशन में है, ये सब अभी तक अपना जो यार फसलाख है पेश नहीं किए हैं। अभी तक यार फसलाख लोग तैयार नहीं किए हैं। इन्हें बहुत हैरानी हुआ है यह बात सुनकर कि अभी तक यार फसलाखन नहीं पेश हुए हैं। ये कहे हैं कि अपने लोगों से, मिनिस्टर अपने लोगों से कहे हैं यस्ताज बद्रैफन को ख़त लिखने को और इन लोगों से कहने को कि जितना जल्द हो सके यार फसलाखन जो है लोगों को तैयार करना चाहिए। बहरोतिंग्स बहंदलिंग के दौरान परमेसर ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द में डायरेक्टोरन और रातफन कॉमिसार एस एन एरफीसी से वो बात करेगा यस्ताज बद्रैफन से कुछ ख़ास मामले के बारे में, लेकिन ये भी बात होगा कि जितना जल्द हो सके इन लोगों को यार फसलाख तैयार करना। एक फिशर्स बोट, एक जहाज जिसके साथ वैसे लोग मछलियां पकड़ते हैं, इसमें 2500 किलोग्राम 2500 किलोग्राम कोकाइन मिला है 27 तारीख मई को, और यह है अजोरन पोर्टिकल में। ये द्रग्स जो है ये सूरीनाम से है, मतलब ये सूरीनाम से निकले थे यह जहाज और ये पोर्टुगल की तरफ जा रहा था। मुमकिन इसका एम बिस्टेमिंग था, ये स्पेन्स दुआना कहते हैं इसका एम बिस्टेमिंग था, इनका मंजिल था स्पेन। वैसे इस जहाज में 7 बबानिक्स लेडन थे, 7 लोग मौजूद थे और ये सब गिरफ्तार हुए हैं और ये द्रग्स जो है ये कब्जे में लिया गया है। वैसे पिछले हफ्ता भी 12 किलोग्राम कोकाइन मिला है, ये भी सूरीनाम से था और जमैका में ये बजलख में ये कब्जे में लिया गया है। स्पॉन्सर दुबा ने ये हमें जानकारी दिए है कि ये जो 2500 किलोग्राम कोकाइन मिला है ये इस तरह से इस जहाज में रखा गया था कि लोगों को लगे कि इसमें मछलियां है। ये 7 बमानिंग स्लेडन जो है सभी पुलिस इन्हें गिरफ्तार किए हैं। और द्रग्स के बाद हम आपको बताना चाहते हैं, एक द्रग्स कुरियर रिशा तिशार एयर 5 and 5 तहियार का और एक टैक्सी शोफेर फेबियन डी फेयर तहियार का पिछले हफ्ता स्टॉकश एयरफेयर्स के कंट्रोल पोस्ट पर इन लोगों को वहां का पुलिस जो है ये सब गिरफ्तार किए हैं। फेबियन डी के पास एक रेस कॉफर था और इस रेस कॉफर में 7 किलोग्राम कोकाइन मौजूद था। ये 4204 बक्सा में रखा गया था। ये जो दोनों थे इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार किए हैं और ये द्रग्स जो है ये नारकोटिका ब्रिगेड के हवाले किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे खोजबीन कर रहा है। बीते हुए बुध के सुबह में पुलिस याफावेह में एक आदमी को पाई है घायल अवस्था में, यह सड़क पर लेटा हुआ था। जब पुलिस वहां पर मेल्डिंग आई है तो पुलिस जब गया है तो यह पता चला कि इस आदमी का देहांत हो चुका है। खोजबीन से यह पता चला है, पुलिस ये जानकारी दिए है कि इनको काफ़ी चोट लगा था, इनके सर पर और इनके चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टर को लोकतार किए तो डॉक्टर बताए कि इस आदमी का देहांत वहीं पर हो गया है। वैसे खोजबीन से यह पुलिस भी बताए कि इसका आइडेंटिटी भी पता चल गया है। इवान टेकेमान मेघन फेर तहियार का यह आदमी है, इसका देहांत एक हादसा से यातायात में हो गया है याफा वेह पर। 2 ब्रॉमफिट्सर्स इनसे जाकर टकराए हैं। पहला ब्रॉमफिट्सर इनको धक्का लगाया है, वहां से चला गया है इस आदमी को उसी हालात में रास्ते पर छोड़कर। उसके बाद एक दूसरा ब्रॉमफिट्सर आए हैं, जो ब्रॉमफिट्सर का स्टूडेंट था, एक 15 साल का आदमी, एक लड़का था और इसका डियो रेदर एन अंदर तहियार का था। खोजबीन से पुलिस इन दोनों को तलाश किए हैं और इन दोनों को गिरफ्तार किए हैं। ये दोनों अब पुलिस के हिरासत में है। वैसे पुलिस पहला ब्रॉमफिट्सर का तलाश कर रहे हैं जिन्होंने पहले इस आदमी से जाकर टकराया है। अगर आपके पास कोई जानकारी है, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं इस बारे में, इस हादसा के बारे में, तो पुलिस आपसे गुजारिश करते हैं। लेली दौरब के पुलिस से आप ताल्लुकात कर सकते हैं या आप तार भी कर सकते हैं पुलिस का जो टेलीफोन लाइन है 8 पर।
नया मिनिस्टर सुशाल सागर इन फॉलक्स हाउस फेस्टिंग सुशाफो का मिनिस्टर अंद्रे मिसी का वजह है ये बखरोदिंग्स बहंदलिन के दौरान इस हफ्ते में पंचघर में कहा है कि इसका जो डिपार्टमेंट है सुशाल सागर इन फॉलक्स हाउस फेस्टिंग का जो होफ कंटोर वात्र कंपर है जल्द में कोई नया मकान में ये सब बैठक लेंगे क्योंकि यहाँ का जो मकान जो है ये अनफेल है सेफ नहीं है और अच्छा भी दिखाई नहीं देते है इस बहुत बुरा हालात है इस मकान का इसे मरम्मत करना बहुत जरूरी है और यहाँ पर लोगों को बैठाना यहाँ पर बैठकर काम करना ये खतरे से खाली नहीं है। वैसे ये बताए है कि नया मकान के लिए एरफीएम राजफन मिनिस्टर्स ने अपना रजामंदी दे चुके हैं और इन लोगों के नज़र में भी एक नया मकान है कहाँ पर ये अपना पर्सोनल के साथ जो इस वक्त वात्र काउंट पर बैठते हैं ये लोगों के साथ नया मकान में कहाँ पर कौन से मकान में वो जाएगा ये भी लोगों को शायद पता चल गया है। मिनिस्टर मिसी काबादेना से ये गुजारिश किए हैं बखरोटिंग पर एक एक्स्ट्रा बदराह एक एक्स्ट्रा रकम 150,000 SRD का रखने के लिए ये फरहोसिंग के वास्ते। वैसे मिनिस्टर ये भी बताए हैं कि वो गए थे बाकी के सुशाल सागर इन फॉलक्स हाउस फेस्टिंग के दफ्तर देखने के लिए और यहाँ पर यह पता चला है कि बाकी का जो दफ्तर है वहाँ के हालात भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ पर भी जितना जल्द हो सके मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पर मकान के अलावा जो मोबिलियर है और जो सामान के साथ अपराट्यूर के साथ लोग काम करते हैं ये सभी टूटा हुआ है तो इन सभी को बदलना वहाँ पर नया अपराट्यूर और मोबिलियर आना यह बहुत ज़रूरी है। वैसे दूसरे वैक कंटोरन पर वो गए थे देखने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पर भी काम शुरू किया जाए ये देखा जाएगा ये मरम्मत बहुत ज़रूरी है तो कैसे और कब ये मरम्मत दूसरे वैक कंटोरन का होगा। मिनिस्टर माइक नूर सलीम बेनलानसागन का मिनिस्टर जो है बखरोटिंग्स बहमदलिंग के दौरान पंचघर में कहा है कि बहुत से गलत फहमी है जनता के अंदर नया आईडी कार्ड को लेकर ये ईआईडी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड को लेकर। मिनिस्टर ये बताए है कि जिनके पास इस वक्त वो पुराना आईडी कार्ड थे वो खैलदग है या अनखैलदग है फरफाल हो चुका है या शायद थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है लेकिन इसमें से आपका आइडेंटिटी निकाला जा सकता है। इसमें आप पढ़कर बता सकते हैं कि किसका ये आईडी कार्ड है। इन लोगों को मौका है 17 मार्च 2022 ट्विन तक मुफ्त में आप जाकर नया आईडी कार्ड बना सकते हैं या ई आईडी कार्ड आप बना सकते हैं और ये मुफ्त में है इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं होगा। जो लोग ये 17 मार्च 2022 के बाद जाएंगे ये आईडी कार्ड बनाने के लिए तो आपको 75 तक SRD भरना पड़ेगा एक ई आईडी कार्ड के लिए। मिनिस्टर यह कहते हैं कि आईडी कार्ड तनवेत में एक ओवर हंस बपाले हैं जिसमें कहा गया है कि 3 साल तक लोग जो पहले मतवा अपना ई आईडी कार्ड बनाएंगे और ये 3 साल तक ये चलेगा 17 मार्च 2022 तक उन लोगों को मौका है मुफ्त में जाकर आईडी कार्ड बनाने को। इसके बारे में मिनिस्टर ने पंचघर में खुलासा लाए हैं। 7 जून 1989 एक ऐसा दिन तारीख है जो कभी भूला नहीं जाएगा। एक काला दिन है सूरीनाम देश के इतिहास सूरीनाम से खसखीदनेस में। इसी दिन सुबह के वक्त में एक हवाई जहाज जो है सूरीनाम से लुफ्टवार माजखापे का PY-76 डुगलास DC-8 सुपर 62 जिसका नाम था एंटोनी नेस्टी इसका एक क्रैश हुआ है। यह हादसा हुआ है संदरई पर। वैसे ये लैंडिंग करने वाले थे कि अचानक कुछ मुमकिन ठीक नहीं था और ये हादसा हुआ है। इस हादसे में इस हवाई जहाज हादसा में जो सूरीनाम देश के इतिहास में सबसे गंभीर सबसे बड़ा हादसा था 178 तक लोग मारे गए हैं सरनामी और हॉलैंड के लोग जो थे। इसमें भी 15 प्रोफ फुटबॉलर्स थे क्लोरेक एलफ्ताल का 2 टेक्निस स्टाफ के लोग और 2 बस्तुश लीडर। सिर्फ 11 लोग इस हादसे से बच पाए हैं अभी तक जिंदा है। 11 लोग उस हादसे में बच गए थे। एल्फ ओवरलीफेंडन था ये अम्स्टरडम से संदरे ये हवाई जहाज आ रहा था और
7 तारीख जून को इसी साल 2019 में पूरे 30 साल हुए हैं दर्द अख्तियार हुए हैं कि यह हादसा यहाँ सूरीनाम देश सांदरे पर हुआ था। इसी सिलसिले में कल शुक्र जून के 7 तारीख को है थिंकिंग दिन्स था इन लोगों को याद करने के लिए, यह हादसा में जितने लोग मारे गए हैं इन लोगों को याद करने के वास्ते। पिछली बार हम आपको बताए थे कि निवा हाफन पर एक कंटेनर में स्ट्रोक में कोकाइन मिला था। इसी सिलसिले में 42 साल का एक दुवान एक्सपेडिटर एक इनका क्लार्डर जो है 33P पुलिस इनको गिरफ्तार किए थे, लेकिन इनका बयान लेने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। इनका वकील जो है आर्यन राम लखन बताए है कि रहमत खैद स्टुच हुआ है और उसके बाद रेहतर कमिसारस दानियाला करामत आली जो है इनको रिहा किए हैं, क्योंकि इनका जो गिरफ्तारी था ये जायज नहीं था, इनके खिलाफ वैसा कोई सबूत नहीं मिला है। ये एनक्लाडर के अलावा इससे पहले रवि एस फीरनतवेंतहियार और टोनी का सेफ नफेतहियार इन दोनों का गिरफ्तारी भी हुआ था, ये दोनों अभी तक पुलिस के हिरासत में है। वैसे रामलखन बताते हैं, ये वकील अदफुकात रामलखन कहते हैं कि ये इनक्लार्डर जो गिरफ्तार हुआ था इनका क्लियंट थे, ये जिम्मेवार नहीं है, फरंतवर्लक नहीं है ये ड्रग्स के लिए। ये कहते हैं ये सिर्फ इनक्लार्डर था, अपना काम किए हैं, चेकिंग किए हैं, ये ड्रग्स जो मिला है स्ट्रोक में इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं था। ये ड्रग्स जो है ये एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर में रखा गया था और ये इनक्लार्डर जो है इनको एक्सपोर्ट के वास्ते तमाम कागजात को चेक करना था, ये अपना असिस्टेंट से कहा था ऐसा करने के वास्ते और बाकी इसमें इनका कोई हाथ नहीं था। बखरौदिंग्स बहंडलिंग पिछले कई दिनों से जो चल रहा था पंचघर देयना में बीफे के रात को बखरौदिंग्स बहंडलिंग 2019 के वास्ते 28 वोट के साथ खुदकर हुआ है। इसके लिए 28 लोग अपना रजामंदी दिए हैं, ये पास हुआ है पंचघर में। 14 लोग फेहा पे एनपीएस पेएल पॉलिटिकल पार्टी दू और पालू का ये सब इस बखरौदिंग के खिलाफ अपना वोट दिए है। वैसे आबोब जो है ये एक मोची में कहे कि ये बखरौदिंग के खिलाफ भी है, लेकिन स्टेमिंग के वक्त जिस वक्त वोट हो रहा था ये फ्रक्सी का आबोब फ्रक्सी का कोई भी पंचघर में मौजूद नहीं था, मतलब ये सब वोट नहीं किए है। ये बखरौदिंग्स बहंडलिंग जो है मिनिस्टर गिलमोर हुफदरात कहते हैं कि ये 5% से कम किया गया है 4.3% तक। वैसे ओपोजिशन का ये मानना है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये इस पर किसी इन लोगों को ओपोजिशन के कोई भरोसा नहीं है। एक और हादसा यातायात में हुआ है और ये बीफे के सुबह हुआ है इंदिरा गांधी वेग पर, जहाँ पर 19 साल का एक लड़का लुकास न्यूनेस लीमा इनका देहांत हो गया है। ये अपने ब्रोमफिट्स के साथ जाकर एक इलेक्ट्रिसा मस से टकराया है, ये बुरी तरह से घायल हुए हैं और वहीं पर इनका देहांत हो गया है। लुकास न्यूनेस लीमा के देहांत हो जाने से फ्रिकेश बारो में इतर 30 देर तक पर आकर पहुँच गए है। पुलिस खोजबीन से यह बताए है कि यह काफ़ी तेज़ी से ब्रोमफिट्स हाँक रहा था और मुमकिन इसमें एक अपहफूर्द मोटर था। लाश जो है लुकास का ये पुलिस कब्जे में लिए है और लेली दौरब का पुलिस जो है इस हादसे में और आगे खोजबीन कर रहा है। यह आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।